गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ेंगे आतंकवाद के कारण। पिछली क्लास में हमने आतंकवाद का अर्थ, भारत में आतंकवाद का स्वरूप और आतंकवाद के अत्यधिक मीडिया कवरेज के परिणाम हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे आतंकवाद के कारण। एक बार पुनः आप आतंकवाद का अर्थ समझ लें। वर्तमान में आतंकवाद एक गंभीर चुनौती के रूप में भारतीय लोकतंत्र के समक्ष विद्यमान है। आतंकवाद अंग्रेजी का शब्द टेरर से बना है। अंग्रेजी का टेरर शब्द यूनानी भाषा के शब्द टू मेक रंबल से बना है, जिसका आशय भय से कपकपाने के लिए मजबूर करना। परिभाषा के तौर पर हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा निजी या सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ किया गया उग्र आपराधिक कार्य, यह आतंकवाद है। अब आतंकवाद के कारण, पहला कारण है युवा वर्ग में असंतोष या निराशा। देखिए, जनता चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे छात्र हो, ये सरकार से कुछ उम्मीदें रखते हैं। खासतौर पर युवा, इनको सरकार से कुछ उम्मीद होती है कि भाई नई सरकार आई है, हो सकता है वो हमारा भला हो, हमें रोजगार मिले, हमें व्यवसाय मिले, नौकरियां मिले। लेकिन जब उनकी ये उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो उनके मन में असंतोष पैदा होता है, वो निराश हो जाते हैं और निराशा में वो हथियार उठा लेते हैं, जिससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। दूसरी प्रमुख वजह भारत में आतंकवाद की शोषण व न्याय की प्रवृत्ति है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी हमारी सरकारें समाज में व्याप्त शोषण और अन्याय की प्रवृत्तियों को समाप्त नहीं कर पाई। यद्यपि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था, जिसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय को एक लक्ष्य घोषित किया गया था, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि हम सामाजिक और आर्थिक न्याय के लक्ष्य से आज भी कोसों दूर हैं। आज भी समाज में गरीब वर्ग, मजदूर, किसान वर्ग के शोषण की स्थिति देखी जा सकती है। आज भी दलित और निम्न जाति के लोगों का शोषण समाज में देखा जा सकता है। और जब यह शोषण बढ़ जाता है तो व्यक्ति के मन में असंतोष पैदा होता है, वो हथियार उठा लेता है। तो दूसरी प्रमुख वजह है शोषण व न्याय की प्रवृत्तियां। तीसरी वजह आतंकवाद की अवैध अस्त्र शस्त्रों की आसान उपलब्धता। देखिए, हमारे यहां भारत में चोरी छिपे अवैध अस्त्र शस्त्र बड़ी आसानी से खरीदे जा सकते हैं।
लोग अपनी प्रतिष्ठा या शान के लिए अवैध रूप से अस्त्र शस्त्र रखते हैं। ऐसे अस्त्र शस्त्र जो पुलिस बलों के पास भी नहीं होते हैं, AK-47 AK-56 जैसी राइफल हैं, जो कि आम पुलिस फोर्सेज के पास नहीं होती हैं। ऐसे हथियार, ऐसे खतरनाक हथियार भारत में चोरी छिपे और बड़े आसान तरीकों से खरीदे और बेचे जा सकते हैं, और कई लोग शौकिया या अपने शान या दिखावे के लिए इन हथियारों को रखते हैं अवैध रूप से। और जब कहीं वाद विवाद की स्थिति पैदा होती है तो इन हथियारों के साथ प्रदर्शन भी हो जाता है और हथियार चल भी जाते हैं। और एक बार व्यक्ति हथियार चला लेता है, उनका प्रयोग कर लेता है, तो फिर उसका डर खत्म हो जाता है, वो परमानेंट अपराधी बन जाता है। तो इस हथियारों की इस आसान उपलब्धता की वजह से भी भारत में आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। चौथी वजह दलीय राजनीति। हमारी दलीय राजनीति, दलीय क्या बल्कि आप कह सकते हो दूषित राजनीति की वजह से भारत में आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा मिलता है। कई दल और उनके नेता ये इनके इन प्रकरण चुनाव जीतने के लिए हर तरीके को अपनाते हैं, शाम दाम दंड के, जिसमें आतंकवाद भी शामिल है। राजनीतिक दल और ऐसे नेता चुनाव जीतने के लिए आपराधिक तत्वों से सांठगांठ करते हैं। इन आपराधिक तत्वों की वजह से आतंकवादी घटनाएं घटती है। फिर है आपका विदेशों से प्राप्त सहायता। भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने में विदेशी तत्वों का भी काफी बड़ा योगदान रहा है। विशेष रूप से पंजाब और जो जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद की स्थिति रही है उसमें विदेशी तत्वों यानी पाकिस्तान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यद्यपि पंजाब में आतंकवाद का दौर लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन पंजाब में आतंकवाद को भड़काने में पाकिस्तान का बड़ा योगदान रहा था। जो पंजाब के आतंकवादी गुट थे, बब्बर खालसा देश में रेजिडेंट, इनको पाकिस्तान से ही आर्थिक सहायता और हथियारों की सहायता प्राप्त होती थी। इनके ऑफिसेज जो है आज भी इन आतंकवादी संगठनों के, पंजाबी आतंकवादी गुटों के, आज भी पाकिस्तान में। और जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बात आप आसानी से समझ सकते हो, जो उरी सैन्य शिविर पर हमला है, पुलवामा सैन्य शिविर पर हमला है, उसके लिए जो जिम्मेदार है जैश, जैसे मोहम्मद, उसके आतंकवादी और उनके नेता सरगना कहां पर बैठे हैं? पाकिस्तान में बैठे। आपके 1993 में जो मुंबई बम कांड हुआ उसका जो अपराधी था दाऊद इब्राहिम कहां पर रह रहा है वो वर्तमान में? पाकिस्तान के कराची में। पाकिस्तान नकारता है लेकिन पूरे मीडिया में उसकी फोटो वगैरह, घर का एड्रेस, सब कुछ, टेलीफोन नंबर वगैरह जो पाकिस्तान सरकार ने अलॉट कर रखे हैं वो सारा सब कुछ पूरी दुनिया जानती है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि दाऊद इब्राहिम नहीं है। रोज आप अखबारों में, आज भी टीवी पर आप देख लीजिए, कल भी आप देख लेना और परसों भी आप देख लेना, रोज देख लेना, रोज सीमा पर गोलीबारी पाक करता है, सीज फायर का उल्लंघन करता है सीमा पर। इसके पीछे पाकिस्तान का उद्देश्य क्या है कि सीज फायर की आड़ में वो आतंकवादियों को भारत में प्रवेश करा दे, और ये आतंकवादी भारत में आकर फिर क्या करते हैं? वही आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसके लिए इनको ट्रेंड कौन कर रहा है? इनको बम बनाना सिखाना, हथियार चलाने की ट्रेनिंग देना, ये सब पाकिस्तान करता है। पाक अधिकृत कश्मीर में इस तरह के कई ठिकाने बनने में जहां आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, सैन्य प्रशिक्षण, बाकायदा पाकिस्तान की ISI
पाकिस्तान के सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के युवा गरीब भोले भाले मुसलमानों को धर्म के नाम पर भड़काकर उन्हें आतंकवादी बनाया जाता है, उनका माइंड वॉश करके धर्म के नाम पर उन्हें भड़काया जाता है, हथियार चलाने बनाने की ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है, बम विस्फोट करने की ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर कुछ पैसा देकर उन्हें भारत में मरने और मारने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो पाकिस्तानी प्रोत्साहन और सहायता की वजह से भी भारत में आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। ये जो प्रमुख कारण है जो भारत में आतंकवाद को बढ़ाते हैं, आप पुनः एक बार देख लीजिए, युवा जनता खासकर युवा वर्ग में असंतोष या निराशा की भावना, शोषण और अन्याय की प्रवृत्तियां, ये भी आतंकवाद को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। अवैध अस्त्र शस्त्रों की आसान उपलब्धता भारत में, चोरी छिपे आप आधुनिक से आधुनिकतम हथियार, राइफल रिवॉल्वर जैसे हथियार आप खरीद सकते हैं कम दामों पर, जो सेना तक के पास या पुलिस बलों के पास नहीं होते। दलीय राजनीति, हमारी दूषित राजनीति, उनका एक लक्ष्य बस किसी भी तरीके से कुर्सी प्राप्त करना, सत्ता प्राप्त करना, और उसके लिए खुद ही वो आपराधिक तत्वों से साठगांठ करते हैं और विदेशों से प्राप्त सहायता, ये कुछ ऐसे कारण हैं जो आतंकवाद को भारत में बढ़ाने में मददगार हैं। धन्यवाद।